अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लेंडर का लेआउट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ये हमारे पास एक फुल विंडो है जहाँ पे लाइट, क्यूब और कैमरा है। ये एक विंडो है, ये वर्क एरिया है। और हम अपनी राइट साइड कुछ पैनल्स भी देख रहे हैं, कुछ विंडोज हैं। ये भी एक विंडो है और ये भी एक विंडो है। अपनी मर्जी से आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अभी तीन विंडोज हैं, आप अपनी कस्टम के हिसाब से भी आप इस विंडो को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और शिफ्ट ए प्रेस कर एक मंकी ले लेते हैं। इसको ऊपर करके मैंने एक मंकी ली और मैं इसे कैमरा को प्रेस करूंगा। तो अभी हमारे पास कोई कैमरा ऐड नहीं है, तो हम इस कैमरा को भी ऐड कर लेते हैं शिफ्ट ए प्रेस करके और एक कैमरा लेते हैं। तो कैमरा लेते हैं, कैमरा लेने के बाद हम इसको मूव टूल के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करेंगे। फिलहाल ये काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव टूल देंगे और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो अब मैं कैमरा को प्रेस करूँगा या जीरो बटन प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास कैमरा, तो हमारे पास ये कैमरा व्यू आ जाएगा। लेकिन कैमरा सेट करने में हमें बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो ब्लेंडर ने एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है कि हम, ये हमारे पास एक विंडोज है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ इस कोने पे जाएंगे। यहाँ पे देखो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसी से मर्ज कर देंगे। ओके, दोबारा यहाँ पे जाके क्लिक करके और इस वाले सिस्टम को मर्ज कर देंगे। तो अभी हमारे पास एक ही विंडो बन गई। जब भी हम कोई कैमरा सेट करेंगे तो हमारे पास बहुत मुश्किल होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके देखो अभी प्लस का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करके हम एक अलग सी विंडो बनाएंगे। इस विंडो के अंदर हमारा कैमरा का व्यू होगा और इस पे हम अपना कैमरा सेट करेंगे। तो कैमरा सेट करने के लिए ये भी टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्म टूल, यहाँ पे जाके हम अपने हिसाब से इस कैमरा को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैमरा सेट कर दिया। अब हम इसी विंडो को यहां पे लेके जाएंगे और हम दूसरी विंडो बनाएंगे जिसमें हम ऐड करेंगे। यहां पे जाके हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ में किसी भी व्यू को हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आउटलाइनर था एक, तो और दूसरा हमारा था प्रॉपर्टीज। इसी आइकन में जाके हम अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस कैमरा से बाहर आ जाते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। जैसा कि इसकी लोकेशन जीरो है तो लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी वाई लोकेशन भी चेंज है तो हम इसे सेट कर सकते हैं, इस तरह जेड एक्सिस है। तो कोई भी हम ऑब्जेक्ट, कैमरा हो चाहे कैमरा हो, या ये ऊपर आपकी लेयर्स हैं, जैसे फोटोशॉप में आपने देखा होगा कुछ लेयर्स बनी होती हैं,
तो उस हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसे विजिबल भी कर सकते हैं, अनविजिबल भी कर सकते हैं। अगर आप जब भी आप इसे रेंडर करने लगेंगे बड़े अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली चीज़ हमें रेंडर में ना आए, तो हम इसे इस कैमरा वाले आइकन को यहाँ पे विजिबल डिसेबल कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं लेआउट से लेकर एनिमेशन तक। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडलिंग में जाते हैं, ये हमारा मॉडल तैयार है। ठीक है, ये हमारा मॉडल तैयार है और ये हमारा एडिट मोड में है। अब हम इससे अपने हिसाब से इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ये हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मॉडलिंग है। जब भी हम कोई भी मॉडल को ऐड वगैरह करेंगे या चेंजिंग वगैरह करेंगे तो हम अपने मॉडलिंग वाले ऑप्शन में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग जैसा कि ये कुछ ब्रश दिए गए हैं, इस हिसाब से हम अपने मॉडल को ब्रश के टूल की मदद से कुछ नया मॉडल बना सकते हैं, कुछ नया शेप बना सकते हैं। ये काफ़ी सारे है, ये ब्रश आपको दिए गए हैं। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। ओके, तो फिलहाल हम सिर्फ इस ऑप्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं, आगे इसको चल के सीखेंगे कुछ अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है हमारा यूआई एडिटिंग। ठीक है, जब भी हम कोई टेक्सचर या कलर ऐड करेंगे तो हम यूवी एडिटर में कलर करेंगे। अगर किसी को फाइल देनी हो, जब भी हम किसी को फाइल देते हैं तो उसको कलर शो नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उसके अलग से टेक्सचर बनाने पड़ते हैं। तो हम यूवी एडिटर में जाते हैं, जैसे ही हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ओके, अगर हम जेड प्रेस करेंगे और इसका जो वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम को जैसे ही क्लिक करके और दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शो हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको अपने हिसाब से इसको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी आईज़ ये वगैरह। ठीक है, दूसरा है टेक्सचर। हम इसी को टेक्सचर भी दे सकते हैं, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये मटेरियल है, इसका हम अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये बुरशें हैं, ये सॉफ्टनेस हैं, इसको हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके जानेंगे। तो फिलहाल हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि इन ऑप्शंस में क्या कुछ हो रहा है। अब हम शेडिंग मोड में जाएंगे। शेडिंग मोड में जाएंगे हम एडवांस लेवल के जो हम टेक्सचर और कलर ऐड करेंगे, तो हम शेडिंग मोड में जाके इसे एडवांस लेवल के हिसाब से इसे कलर देंगे, टेक्सचर देंगे। जैसा कि अभी हमारे पास ये कलर इसके पास हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन। लास्ट हमारे यह एनिमेशन है, यहाँ पे हम अपनी एनिमेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लाइन्स हैं, यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स हैं, वो यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ बड़े एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।